वर्ल्ड कप 2023 का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसी के साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं 2025 में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब अगर इस टूर्नामेंट के एक बार क्वालिफिकेशंस पर नजर डाल लें तो मेजबान होने के नाते पाकिस्तान की टीम को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल चुका है इस टूर्नामेंट के लिए। इसके बाद मौजूदा विश्व कप 2023 की जो भी टॉप 7 टीमें होंगी उन्हें मिलेगी डायरेक्ट एंट्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक बात तो साफ है कि जो भी टीमें इस टाइम टॉप 6 में मौजूद हैं उनके लिए इस समय सबसे अच्छा मौका है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने का। लेकिन अभी भी 4 टीमें जिसमें इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम शामिल है, इन चारों टीमों को अभी भी अपने आने वाले मुकाबलों में कड़ी मेहनत करनी होगी अगर उन्हें 2025 में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है। तो अब अगर एक बार इन चारों टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की बात कर लें तो इस समय सबसे अच्छा मौका है नेदरलैंड्स के पास, क्योंकि नेदरलैंड्स की टीम इस समय 4 अंकों के साथ 9वें पायदान पर बनी हुई है और अगर नेदरलैंड्स की टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो 8 अंकों के साथ इस टीम को मिल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सीधा एंट्री। इसके अलावा अगर बांग्लादेश और श्रीलंका टीमों की बात कर लें तो दोनों टीमें अभी 6-6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के बॉटम हाफ में बनी हुई है और अगर ये दोनों टीमें अपना आने वाला मुकाबला जीत लेती हैं तो 6-6 अंकों के साथ जिस भी टीम का बेहतर नेट रन रेट होगा उसे मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए डायरेक्ट एंट्री। अब इस समय किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा सिचुएशन मुश्किल नज़र आ रही है तो वो होगी डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कि इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड टीम के भी अभी 2 मुकाबले बचे हुए हैं लेकिन सिर्फ 2 अंकों के साथ इस समय इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान पर बनी हुई है और ना सिर्फ इंग्लैंड को यहां से अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाकी चारों टीमों में से नेट रन रेट के मामले में इंग्लैंड की टीम सबसे बेहतर हो। अब ऐसे में चारों टीमों के लिए अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी की रेस बनी हुई है और आने वाले हफ्ते में ये बात तय करेगी कि कौन सी टीम पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह बना पाएगी। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, इन चारों टीमों में से कौन सी टीम को आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलते हुए देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।